हेलो देख हेलो जीन से जी पार्षदों के नतीजे आने शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे चेयरमैन पद के भी नतीजे आने शुरू हो गए। हम आपको दिखाते हैं जो पार्षद जीते हैं, वार्ड नंबर 25 का रिजल्ट आया है, वार्ड नंबर 25 के पार्षद ने खुशी जाहिर की है और वह खुशी पता नहीं हम इनसे पूछेंगे किस उसमें तब्दील हुई है खुशी, तो हम इनसे पूछेंगे। दिखाता रहो तो एक बार लाइव माँ के जगह बात करूंगा। तो खुशियों के साथ काफिला जो आया है, ये मतलब नाच गाने के साथ अपने घर की ओर अपने वार्ड के अंदर प्रवेश करते हुए हैं ये। तो हम जो कैंडिडेट यहाँ पे जीत के आया है, हम उनसे भी बात कराने की कोशिश करेंगे अभी, वो कितनी खुशी। तो जी हम उनसे भी एक बार बातें करेंगे, बात करके देखेंगे। तो हमने उनके जो यहाँ के उम्मीदवार थे वार्ड नंबर 25 से, उनके पिताजी हैं, हम उनसे बातें करेंगे कितनी उनके अंदर खुशी है और उनके बेटे के अंदर तो बहुत खुशी होगी। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब क्या नाम है भाई साहब? मेरा सुरेंद्र खड़ाड़ा का आग्रह है। सुरेंद्र खड़ाड़ा जी, वार्ड नंबर 25 जी। हाँ जी, फोटो से जीते भाई? 1000 के करीब जीते। हाँ बेटा जीता या बेटा जीता? हाँ भाई साहब खुशी कितनी है? खुशी बहुत है, इससे बढ़िया खुशी क्यों होगी, बेटा जीतता चुनाव। तो आप जो हमारे वार्ड के जो मतलब मतदाता है उनको क्या करना चाहिए? उनका बहुत बहुत धन्यवाद, वार्ड के मतदाता ही जीते, हम तो जीते ही नहीं, उन्हीं की जीत है। जिन्होंने वोट नहीं दिया, उनकी भी आएगी, उनकी बधाई, सभी की आएगी जीती। यानी कि सुरेंद्र सिंह का कहना है कि जिसकी भी इन्होंने मतलब जिसकी वोट नहीं आई उनकी भी इनके खाते में वोट आई हुई है, ये सारे ही वार्ड को मतलब अपनी ओर से एक धन्यवाद करते हैं। वार्ड वासियों का सभी को धन्यवाद और निष्पक्ष होकर काम करेंगे, सबका स्वागत है, कोई भेदभाव नहीं होगा। और इनके बेटे आजाद सिंह से भी हम बातें करेंगे अभी। ये जो वार्ड नंबर 25 से विजयी होके आजाद सिंह आए हैं, हम उनसे बातें कराएंगे, इनके पापा से हमने बात कर ली है, अब इनसे बातें कराएंगे, इनकी उम्र भी बताएंगे आपको। शायद वार्ड नंबर 25 से पहले प्रत्याशी उम्मीदवार ऐसे हैं कि जो कि कम से कम उम्र के उम्मीदवार हैं, पहली बार ही हमारे देखने में, और भाई साहब बैठे हैं उनसे भी पूछेंगे, हम भी साथ में खड़े। तो क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया जी बिल्कुल। क्या नाम है? आजाद सिंह। आजाद सिंह, आपने जो आप जीत हासिल की है उसकी खुशी कितनी महसूस करी? खुशी बहुत है जी, मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत कर रखी थी, उसी की बदौलत मन्ना यो पद मिला है। उम्र कितनी है? मेरी 25.5 साल। 25.5 साल। तो जी ये 25.5 साल की उम्र के कैंडिडेट हैं जो कि पहली बार ही 25.5 साल के कैंडिडेट यहाँ से विजयी हुए हैं। तो मतलब आपका परिवार के अंदर कितनी खुशी है? आपकी मम्मी के अंदर, दादी भी आपकी है, उनके अंदर बहुत खुशी है बिल्कुल। पूरे वार्ड में दो साथी से अपने बहुत खुश है, जश्न का माहौल है बिल्कुल। कितनी वोटों से जीते आप? 1000+। ये 1000+ वोटों से जीते हैं जी, हम और भी बातें करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। आजाद सिंह की जीत को आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत खुशी है, हमने बहुत मेहनत करी आधा लड़का, और बहुत खुशी है हमारा। इससे ज्यादा इसका पापा है, मेहनत कर रहा था ना। इसका पापा दो बार मेहनत बिल्कुल जी, दो योजना वाले जी तैयारी कर रहे हैं। इसका सर किसको देगा? इनके पापा को देंगे जी, यार अपनी आम जनता है जी, यार सारे हैं, पूरी जनता है अपनी। वार्ड नंबर 25 में जिनकी वोट नहीं आई उनको क्या कहना चाहोगे? उनको जी गिरनी चाहिए थी जो घर आ रहे जी, और क्या कहीं ना कहीं के पापा करे, सारे वार्ड की वोट हमारे को मिली है। हम मिली है जी, सब ने सहयोग दिया जी, दिल से सहयोग दिया जी सब ने। ये जीत कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 25 की पूरी पूरे वार्ड की जीत, पूरे वार्ड की जीत है जिन्होंने जी, कल पूरे वार्ड की जीत है जी सारे। हाँ जी, ये वार्ड नंबर 25 के प्रत्याशी थे, और भी जो विजयी होंगे, जो वार्डों से जीतेंगे और चेयरमैन भी बनेंगे, उनकी भी न्यूज हम आपको दिखाते देंगे। तो बने रहिए हमारे अगले अपडेट तक हमारे साथ, कैमरामैन सुमेश जंगला, रिपोर्टर विजेंद्र मान के साथ, थैंक यू, धन्यवाद जी।